अली भाई आज मैडम के साथ बैठे हैं, प्राउड मोमेंट है। माशाल्लाह आप भी तो सुपरस्टार ही हैं, लेकिन आपके लिए कैसा प्राउड मोमेंट है? देखिए जी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें जो हमारे फ़नकार हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, और वो लोग जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी जब तक हमारे दिल में रिस्पेक्ट नहीं होगी, अप्रिसिएशन नहीं होगी, और जिस प्रोसेस से वो गुजरे हैं, और हमें ये भी पता है कि जिस ज़माने में अंजुमन जी काम करती थी, कितनी मुश्किलात थी, दुश्वारियाँ थी, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, और उस ज़माने में ऐसी ख़वातीन ने जो अपना सिक्का जमाया इंडस्ट्री में, इतना काम किया, मेहनत की, इतने आइकॉनिक डांसेस और एक नाम, वो हम सबके लिए यू नो एक वी शुड लर्न फ्रॉम इट कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए। एंड इट इज़ अ ऑनर टू हैव अ हियर, एंड आज इनको कल ट्रिब्यूट भी मिल रहा है परसों। सो अंजुमन जी, इट इज़ एन ऑनर टू हैव यू हियर इन द शो। अली जफर, आपके जो मेरे बारे में ये रिमार्क्स, मेरे लिए बहुत रिगार्ड्स हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो हैं, खुदा ताला ऐसे ही इज़्ज़त देता है जो लोग डाउन टू अर्थ हों, और आप अपने सीनियर्स की कदर करने वाले लोग हैं और पज़ीराई देते हैं, और इसी तरह हम अपने सीनियर्स की इज़्ज़त की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और आपको, आप लोगों को भी बहुत इज़्ज़त मिली, और बड़ा अच्छा आप लोगों ने काम किया और कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आई अप्रिशिएट, और हमें फ़ख्र है आप लोगों पे कि हमारी नई जनरेशन, नए लोग आए हैं और उन्होंने इतना अच्छा इंडस्ट्री को स्टैंड कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, आपको अली भाई की कोई ऐसा काम जो अभी तक याद है, अली जफर का काम? अली जफर की मैंने फिल्म देखी थी, फीफा इन ट्रबल, मुझे बहुत पसंद माशाल्लाह, उसमें म्यूजिक भी बहुत अच्छा और इन ज़बरदस्त काम, और बिल्कुल एक काफ़ी चेंज हमारी इंडस्ट्री में, हमारी स्क्रीन पे मिला, अली जफर ने दिया। थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपका जो सारे अपने करियर का, ज़िंदगी का, यहाँ पे काम करने का जो एक एक्सपीरियंस और तजर्बा रहा, कोई एक अगर आप एडवाइस देना चाहें आजकल के यंग लड़के लड़कियों को कि वो आपकी ज़िंदगी का जो एक ख़ुलासा है प्रोफेशनल लाइफ का, वो एक चीज़ क्या होगी? देखिए, बात ये है कि हमें हम अपनी इस शोबिज़ की दुनिया में आए हैं, और हमारा जो हमारी ऑनेस्टी है हमारे अपने काम के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अपनी ज़ात से मोहब्बत करेंगे सारा ज़माना आपको मोहब्बत करेगा, और इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। और मेहनत जो है ना, मेहनत तो खुद ही रंग लाती है, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, कहते हैं ना हार्ड वर्क नेवर फेल्स, तो ये एक चीज़ होती है और ये अट्रैक्ट करती है, आप अंदर से फीलिंग्स करते हैं, आप एक सीन करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अंदर से करें, खुद फील करके करें, और वो ऑटोमेटिकली पब्लिक के जहन में, दिलों में वो घर कर जाती है। और ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज़ है अपने काम के साथ। आपने सुल्तान राही साहब के साथ बहुत काम किया, उनके बारे में कोई चीज़ जो आपकी एक यादगार, या उनकी पर्सनालिटी की कोई क्या ऐसी चीज़ थी कि उन्होंने अपने ज़माने में ऐसा राज किया, और आज भी उनका जो एक मकाम है और वो लोगों के दिलों में रहते हैं। मैंने सुनने में आया कि वो 5 वक्त के नमाजी थे, और असल ज़िंदगी में अपने जो कैरेक्टर जिस तरह वो प्ले करते थे, एग्रेसिव और वो सारा, उससे बड़े मुख्तलिफ और नरम इंसान थे। जी जी, बिल्कुल। देखिए, वो तो एक रिलीजियस की एक अलग लाइन है, वो तो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे नमाज, और लेकिन बात यह है कि राही साहब बसाते ख़ुद एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे दिल का मालिक था। कई फिल्में, आप, मैं आपको बताऊं, अली जफर, उन्होंने ऐसे कहा, कोई एडवांस लिए बग़ैर सब उन्होंने कहा आप फिल्म शुरू करें, और उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिया और ऐसे काम कर, जब फिल्म हिट हुई तो वो उन्होंने ख़ुद ही ला के रईस साहब के आगे रखे। रईस साहब इस तरह के महान इंसान थे और एक अच्छे आदमी थे, और उनका दिल भी बहुत अच्छा था, अपने जूनियर्स को बहुत इज्जत दी। अच्छा, कोई उनके साथ मिससेब कर ले, कोई जेलिसी में आके कोई गलत बात भी कर ली, तो उनके मुंह में एक ही लफ्ज़ होता था, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अल्लाह वाले आदमी थे, तभी अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया उनको। अल्लाह वाले आदमी, उनको जवाल आया ही नहीं। चंद ऐसे आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री में आए कि जिनको जवाल नहीं, और मैं आपको बताऊँ, मेरा बिलीव है इस चीज़ पर, जवाल नहीं होता, इंसान के अप
اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، ان کا بیہیو کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو وہ آٹومیٹکلی اگر صحیح نہیں ہے تو زوال آ جاتا ہے، اگر صحیح ہے تو زوال کبھی نہیں. کئی ایسے فنکار آرٹسٹ گزرے جن کو زوال نہیں آتا. انسان کے اپنے طریقہ کار سے ہوتا ہے. تو میرا تو بلیو ہے اللہ کی ذات پہ ایک تقویٰ ہے، توکل ہے، ایمان ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اچھی اچھی چیزوں کو انسان لے کے چلتا ہے نا تو وہ اچھا اچھا ہی ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آڈینس سے جو لوگ اپنے چاہنے والے ہیں آپ کے. نہیں، ان شاء اللہ ضرور. میں یہ کہتی ہوں کیونکہ میں بھی کوئی اس چیز کو کلوز نہیں کیا. اگر ہمیں اچھے کردار، ابھی مولا جٹ فلم اچھی گئی اور یہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پنجابی لینگویج اور وہی گنڈاسا، وہی چیز جس پہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ گنڈاسا جو ہے نا یہ پنجابی فلم ہے، آج وہی گنڈاسا ہٹ ہوا، وہی ہاں بالکل یہ چیز ہوئی. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا فخر ہے. اور پنجابی فلم آج پھر انشاءاللہ سٹینڈ کر رہی ہے، اور اردو فلمیں بھی آل موسٹ، کیونکہ دونوں بوتھ سائڈ یہ چلنی چاہیے اور یہ اچھا ہے. ہاں اگر اللہ نے موقع دیا، علی ظفر آپ کی فیفا ٹربل دیکھی ہے، میں نے کہا اچھا بچوں میرے ساتھ ڈانس کریں گے. نہیں نہیں، ڈانس تو نہیں لیکن پرفارمنس ضرور کریں. تو کہیں اچھا ہمیں آیا انشاءاللہ پروجیکٹ، کچھ اچھا کام آیا تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اکٹھے کام کریں گے انشاءاللہ. پرفارمنس ہمارا اصل کام ہے. گنڈاسا فیفا نے اٹھایا تو تھا، گھمایا فیفا ٹربل. نہیں نہیں، یہ دیکھیں جو جب بھی کوئی فلم چلتی ہے نا تو انڈسٹری کا اوور آل بھلا ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو.